नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपके बाद अब बाप भी चुनाव लड़ने वाली है। बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी। इसी साल सितंबर में 10 सितंबर को ही भारतीय आदिवासी पार्टी की लॉन्चिंग हुई है और भारतीय आदिवासी पार्टी अब मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल 21 विधानसभा सीटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। नाम भी बड़ा दिलचस्प है, बाप, और ये मिलता जुलता है आप यानी आम आदमी पार्टी से, लेकिन इसका निशाना मूलतः आदिवासी बहुल सीटें होंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम, खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ, इन तमाम क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो खरगोन में भी इन तमाम क्षेत्रों में आदिवासी बहुल सीटें का बहुतायत में है। यहाँ से कई आदिवासी विधायक भी निकल के सामने आते हैं और इसीलिए भारतीय आदिवासी पार्टी ने इन्हीं सीटों पर यानी 21 ऐसी सीटें हैं जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इन जिलों में आती हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अब आपको बताते हैं कि यदि भारतीय आदिवासी पार्टी चुनाव में उतरती है तो इससे कितना ज्यादा फायदा और नुकसान राजनीतिक दल, जो जमे जमाए राजनीतिक दल है यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन्हें हो सकता है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, यानी यहाँ से जो उम्मीदवार होगा वो ST उम्मीदवार होगा, ST सीट है ये। इनमें से इसके अलावा अगर हम बात करें तो 80 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जिन पे सीधे सीधे आदिवासी समाज के लोग बड़ा असर डालते हैं। अगर हम 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उससे भी ये बात स्पष्ट होती है कि आदिवासी वर्ग जिसकी तरफ ज्यादा जाता है मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। यानी 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाकों के हिसाब से अगर देखा जाए। इन 47 सीटों में से 2003 के विधानसभा चुनाव हो, 2008 के हों या 2013 के हों, भारतीय जनता पार्टी ने 37 से ज्यादा सीटें जीती। फायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इन 3 सालों में बनी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 47 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। नतीजा सबके सामने है, आपको भी मालूम होगा, 2018 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। यानी इतना तो साफ है कि जिस राजनीतिक दल के पक्ष में आदिवासी सीटों का झुकाव होता है, आदिवासियों का झुकाव होता है मध्य प्रदेश में, उसी राजनीतिक दल की सरकार अगर हम बीते 20 सालों का इतिहास उठा के देखें तो बनती आई है। जाहिर सी बात है भारतीय आदिवासी पार्टी इसी को ध्यान में रखते हुए इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए, खतरे की घंटी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों ही राजनीतिक दल अपने आदिवासी वोटों के छिटकने का डर इन दोनों ही राजनीतिक